10 अप्रैल को निकलेगा सिंधु सत्कार समिति का मौन जुलूस। दुर्ग जिले में सिंधु समाज के युवकों के साथ अत्याचार की वजह से सिंधी समाज में है भारी रोष। सिंधु सत्कार समिति लड़ेगा समाज के बंदों के लिए न्याय की लड़ाई। कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सिंधी समाज के युवकों के साथ अमान्य व्यवहार करने की वजह से विश्वभर में सिंधी समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। सिंधी समाज के लोगों का कहना है कि दोनों युवकों को गैर कानूनी रूप से हाथों में हथकड़ी बांधकर शहर में घुमाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, दुर्ग जिले के स्थानीय पत्रकार राजेंद्र राठौर ने सिंधी समाज के लिए पाकिस्तानी जैसे शब्द का प्रयोग किया है, जिससे समाज के लोगों में और रोष है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों पूर्व यह भ्रांति फैलाई जा रही कि पत्रकार ने उन युवकों से माफी मांग ली है और इस मामले में समझौता करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या उन युवकों पर दर्ज हुए मुकदमे, पत्रकार की माफी मांगने से क्या वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? पत्रकार ने लोक अदालत में हाजिर होकर वही मुकदमे वापस लेने की मौखिक बात रखी है, जिसमें अभी तक कोई लिखित बात नहीं है। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक युवकों पर दर्ज हुए गंभीर मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक सिंधी समाज आंदोलित रहेगा। 10 अप्रैल को सिंधु सत्कार समिति मौन जुलूस निकालकर समाज के बंदों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक युवकों को न्याय न मिले। हमारे सिंधी समाज के दो बालकों को इस तरह से घुमाया गया है जैसे बहुत बड़े वो आतंकवादी है, और आतंकवादियों जैसे उन्हें हथकड़ियाँ पहना के पूरे शहर में घुमा कर उनकी प्रेस्टीज को धक्का लगाया, उनको ही नहीं लगाया। उसके बावजूद फिर एक तथाकथित पत्रकार राजेंद्र राठौर, जो नव भारत के पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे उनका झगड़ा हुआ था तो उन्होंने अपने पेपर में भी पूरे समाज को लपेटते हुए उनको आतंकवादी कहा है और पाकिस्तान की उपमा दी है। जबकि हम अपनी रक्षा हेतु, हिंदू रक्षा के हेतु हम वहाँ से आए थे, अखंड भारत से आए हैं, न कि हम पाकिस्तान से आए हैं। ये उस पत्रकार को समझना चाहिए कि वो एक पत्रकार है, वो लिख क्या रहा है। पाकिस्तान का तो जन्म बाद में हुआ, विभाजन के बाद, उनको ये शब्द लिखने ही नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती उन्होंने हमारी भावनाओं को भड़काया है और सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुँची है। इससे पूरे समाज में बहुत जोश है क्या, और उनको गुस्सा है कि उस पत्रकार को उनके अखबार के टाइटल को ही निरस्त कर देना चाहिए। और साथ ही साथ उस पत्रकार के कहने पर जिस TI साहब ने, जिस इंस्पेक्टर ने हमारे बालकों में हथकड़ियाँ लेकर पूरे शहर में घुमाया है, उसकी प्रेस्टीज को धक्का लगाया है, उसको अभी हर हालत में सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित नहीं, सस्पेंड करना चाहिए, उसको नौकरी से आउट कर देना चाहिए, तब जाके हमारा समाज शांत होगा। नहीं तो ये आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्वक चल रहा है, हो सकता है आगे युवाओं के हाथ में ये आंदोलन आने से उग्र भी हो सकता है, जिसकी सारी जवाबदारी शासन की रहेगी। आपका परिचय सर? कमल वर्धानी, राष्ट्रीय सिंधी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष। सिंधी समाज के बच्चों पर अमानवीय अत्याचार के विरोध में 10 तारीख को सारे सिंधी समाज की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया है। यह मौन जुलूस है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि उस मुद्दे पर उस पत्रकार ने माफ़ी मांगकर समझौता कर लिया है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उस पत्रकार के माफ़ी मांगने से उन बच्चों पर जो मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, क्या वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? उसी पत्रकार ने 14 तारीख को होने वाली लोक अदालत में हाजिर होकर वो मुकदमे वापस लेने की मौखिक बात रखी है, जिसमें अभी तक कोई लिखित बात नहीं हुई है। मैं समस्त सिंधी समाज से यह कहना चाहता हूँ कि जब तक 14 तारीख को लोक अदालत में उन दोनों बच्चों के खिलाफ गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज किए गए, वो मुकदमे वापस नहीं हो जाते, तब तक सिंधी समाज इसी तरह से आंदोलित रहेगा और उन बच्चों के न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा। और अगर 14 तारीख को ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो इसके बाद अगर कोई उपद्रव होता है बिल्कुल, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं है।